में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात अलीगढ़ से बड़ी खबर की, जहां पर पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तीन पुलिसकर्मी एक युवक को बुरी तरह से पीट रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीर, पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी एक युवक को बुरी तरह से पीट रहे हैं। युवक को लात घूसों और लाठी डंडों से भरे बाजार में पीटा जा रहा है। अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो गोरई गांव का बताया जा रहा है। पीटने वाले पुलिसकर्मी गोरई चौकी में तैनात बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित दो मुकदमों में वांटेड था, जिसे दबिश के दौरान पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तोलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें वायरल हुई हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें युवक की पिटाई करते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। किस तरह से बेरहमी से युवक को यहां पर पीटा गया है। दबिश देने पुलिस यहां पर गई थी और जब युवक को उन्होंने पाया तो किस तरह से सबके सामने लाठी डंडों लात घूसों से पीटा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो अलीगढ़ में सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है, जिसमें तस्वीरें बयां कर रही कि किस तरह से यहाँ की खाकी बर्बरता कर रही है युवक के साथ। आपको बता दें, भरे बाजार यहाँ पर पुलिसकर्मी युवक को पीटते रहे हैं। अलीगढ़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो वायरल हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं पुलिस की बर्बरता की, क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई होती नजर आ रही है? वीडियो के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अजी मैं बता दूं, ये अलीगढ़ के थाना इगलास इलाका एक चौकी पड़ती है जी, गोरई। ये वही गाँव का मामला बताया जा रहा है, जहाँ से एक युवक को जो पकड़ के ला रही है पुलिस, जिसका नाम बताया जा रहा है कि वो अजीत है, जिसके ऊपर कोई कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें वो बांछित चल रहा था। उसको पकड़ के लाते समय इसने कोई भागने की कोशिश करी या क्या था, ये पूरी जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन उसको जिस तरह से मारा पीटा जा रहा, वो ऐसा लग रहा है कि पुलिस उसको पकड़ के ना ले आके कि उसको कहीं एनकाउंटर ना कर दे, या उसका मारपीट करते समय इतना बुरी तरह से मारपीट कर। अगर जो वहाँ जो पुलिस का जो वहाँ पे स्थानीय भीड़ है, वहाँ इकट्ठी हो गई, उन्होंने उसका विरोध किया कि इस तरह से क्यों मार रहे हो इसको, अगर इसको लेके जाना तो आपको लेके जाओ, जहाँ जो कुछ करना वो करते हैं, जैसे पब्लिक के बीच में ना मारे। तो पुलिस कर्मियों ने उनको उसको ले गए और वहां से ले जाकर चौकी ले गए उसको। हालांकि ये इसमें और जानकारी जुटाई जा रही है कि ये आखिर इस नौबत में क्यों आए, कि इतनी मारपीट करनी पड़ी, क्योंकि बिल्कुल मुकेश यहाँ पर सवाल ही यही है कि आखिर वांटेड अपराधी था तो उसके साथ इतनी बर्बरता क्यों, अगर जब यहाँ पर दबिश के बाद उसे पकड़ लिया गया था तो आखिर बीच बाजार इस तरह से लात घुसे और मारने की जरूरत क्या थी? इन तमाम बातों की जांच भी यहाँ पर होगी। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री